हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी के टेस्टी पराठे। और जो लौकी नहीं खाते वो भी मांग मांग के खाएंगे, इतने लाजवाब टेस्टी बनते हैं ये और बनाना एकदम से आसान है। तो आइए चलो बनाते हैं लौकी के चटपटे पराठे। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने लौकी ले लिया, इसको छील लिया और धो लिया, और धो के इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। गोल लौकी है मेरे पास, आपके पास लंबी हो तो वो ले ले, और लेकिन ये कच्ची कच्ची होनी चाहिए, बीज वाली नहीं होनी चाहिए। अगर बीज आ जाए तो अंदर से उसको बीज को निकाल के फिर इसको घिसना है। तो इस तरह से मैं इसको छील लेती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। जो बच्चे अपने लौकी नहीं खाते तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, उनको पता भी नहीं चलेगा और इतने टेस्टी बनते हैं ये। तो ये देखिए, मैंने सारी लौकी कद्दूकस कर लिए इस तरह से। अब देखिए, इसका हम पानी बिल्कुल नहीं निकालेंगे लौकी का, क्योंकि उसी में तो पूरे सारे विटामिन प्रोटीन रहते हैं। तो इसके साथ ही बनाएंगे हम इसको। तो अब इसमें देखिए, मैंने ये दो मिर्च काटी है बारीक, तो इससे अच्छे चटपटे बनेंगे। अगर आप जैसे ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो मिर्ची स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने हरा धनिया डाला है, और ये देखिए मैंने एक कटोरी आटा डाला है, और इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन डाला है। बेसन डालने से इतना टेस्टी स्वाद आता है इसमें। अब 1 चम्मच मैंने सौंफ पाउडर, सौंफ डाली है साबुत, और थोड़ा सा ये अजवाइन कद्दूकस करके डाली है, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, तो इससे भी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब ही मैंने लाल मिर्च डाली है, और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब देखिए, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, जो लौकी का पानी रहता है ना उसी से इसको आटे को लगाएंगे हम, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे इसको। तो ये देखिए, ये आटा हमारा लग गया। अब इसमें क्या, मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, इससे ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे पराठे हमारे। आप इसको लंच बॉक्स में डाल सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। और ये देखिए, अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट किया हमने, ज़्यादा इसको नहीं छोड़ना, नहीं तो इसका पानी और छोड़ जाएगा। अगर आपको लगे कि आटा गीला गीला है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख सकते हैं 10-15 मिनट, और उसके बाद आप रोटी मतलब इसके पराठे बनाएंगे ना तो आसानी से बन जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सूखा आटा लेके और गोला बना के और इसको बेल लिया, देखिए इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, पराठे बना रहे हैं तो घी लगाना तो बनता ही है। तो ये देखिए ऐसे करके, और गोल ही बेल लेंगे हम इसको इस तरह से, तो इसमें से ना अच्छी परत भी बनेगी ऐसे करके, और बेल लेंगे इसको इस तरह से। थोड़ा सा आटा लगाएंगे सूखा और ऐसे बेल लेंगे। देखिए कितना आसान है। अब ये देखिए, मैंने ये लोहे का तवा ले लिया, अब इस पे थोड़ा सा हमने घी लगा दिया। अब इस पे हमारा पराठा रख देंगे हम सेकने के लिए, हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे इनको। अब एक दूसरी तरह से हम चौकोर बना सकते हैं इसको, चौकोर भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम गोला बना के सूखे आटे में लपेट के और इसको ऐसे बेल लेंगे इस तरह से। बेल के फिर थोड़ा सा घी लगाएंगे इसमें, ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से, और ऐसे चौकोर आकार दे देंगे इसको। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और इसको चौकोर ही बेल लेंगे हम। अब देखिए, एक साइड से हमारा पराठा सिक गया, तो हमने दूसरी साइड बदल दी उसकी, और ये पराठा हम चौकोर वाला इस तरह से बेल लेंगे। तो ये भी देखिए कितना आसान है, और देखने में भी अच्छे लगते हैं ये। तो आप जो भी आपको आसान लगे उस तरह से गोल बना लो, चौकोर बना लो,
कैसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड से सिक गया, तो थोड़ी साइड में मैंने ऊपर वाली में थोड़ा सा घी लगाया और इसको ऐसे दबा दबा के सेक लेंगे, अच्छे कर लेंगे इनको गोल्डन कलर के, तभी अच्छे लगते हैं पराठे। अब एक साइड से सिक गया तो ये देखिए मैंने दूसरी साइड से बदल के इसको ऐसे ही सेक लेना है। अभी ये मैंने कपड़ा बिछा दिया प्लेट में ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसका, और कपड़ा बिछाने से वो नीचे गीला गीला भी हो जाता है ना, वो भी सही रहता है, इससे नीचे से अच्छे रहते हैं वो सूखे सूखे। अब ये देखिए मैं चौकोर वाला भी सेक लेती हूँ इसी तरीके से, और इतने टेस्टी बनते हैं ये, और बनाना बहुत ही आसान है। और ये देखिए घी से ज़्यादा धुआं छोड़ता है ये, आप तेल डालोगे तो कम धुआं आएगा इसमें इस तरह से। तो ये देखिए ये भी सिक गया हमारा, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया। तो इसको आप दही से और आम के अचार से, मिर्ची के अचार से बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको सफ़र में ले जाइए। तो इसी तरह से हम सारे पराठे सेक लेते हैं, और आप ज़रूर बनाना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए कितने सॉफ्ट पराठे बने एकदम। ओके बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।